अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा खरी। आज हम अंडे की रेसिपी आपको बता रहे हैं। ये अंडा, ये है प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, तेज़पात के पत्ते, दौड़ा, जावित्री, फूल, काली मिर्ची, लौंग, और ये है दालचीनी। ये हमने लिए एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची, ये लिए थोड़ा सा हल्दी, दो चम्मच पिसा हुआ धनिया। अब इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, इसको हमें बारीक पिस। ये अंडे हम फ्राई करेंगे। देखो इसको हम अंडों को चला देंगे थोड़ा। अब देखो हमारे अंडे गोल्डन होने लगे ना। अभी थोड़ा सा सेकने के बाद हम निकाल लेंगे, थोड़े और गोल्डन हो जाएंगे ना, फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरह से। अंडे गोल्डन हो चुके हैं हमारे, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये गरम मसाला, और डाल दूंगी थोड़ी सारी मिर्ची, प्याज और ये अदरक, इसको चला। ये प्याज अभी सीखी नहीं, ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे। अरे देखो इसमें गोल्डन बनाने लगा, ये देखो अब इसमें गोल्डन बनाने लगा प्याज में। अब इसमें डाल देंगे मसाला पिसा हुआ, डाल देंगे इसमें दही भी। अब इसको ये मैं रख दिया, अब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, धीमे धीमे भूनिएगा, धीमे धीमे आंच पर। अब इसको खोल दिया, ये मसाला चला लिया। अब इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, अब इसको चला दूंगी। अब इसमें डाला घी, अभी हमारा मसाला सही तरह से भुना नहीं है, ये डाल दी हमने देसी घी इसमें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, औरों को शेयर भी करना। इसको ढक दूंगी, अब इसको खोल कर देखते हैं। अब देखो हमारा मसाला बनने लगा। अब इसमें डाल देंगे हरी धनिया की पत्तियां, डाल देंगे पानी, इसमें डाले अंडे। इसमें डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला, अब इसको चला लेंगे।
5 मिनट तक इसको भूनी और देंगे। अब देखो ये हो गई हमारी सब्जी तैयार, अंडा खरी की। ये हो गई है हमारी अंडा खरी तैयार। आप अपने घर पे बना के देखना और बना के खा के देखना, और आपको अच्छी लगे तो हमें शेयर करना कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी। इसको देख के आपने ये अंडा खरी देखी, आपने अच्छी